गोविंदा जी हैं तो ऑफकोर्स यू नो इट्स अ कॉमेडी फैमिली एंटरटेनमेंट एंड जिसने बनाया है वो फैमिली फिल्में ही बनाते हैं यू नो पहलाज जी। तो ये दो भाइयों की कहानी है जिसमें बहुत ज़्यादा यू नो दोनों भाइयों के में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। एक बहुत ज़्यादा साधु टाइप की लाइफ जीता है, एक बहुत ज़्यादा यू नो रंगीन लाइफ जीता है। रंगीन लाइफ का ये मतलब नहीं है कि रंगीन मतलब जो आज के जो दौर में चल रहा, नॉट दैट रंगीन। ही इज़ वेरी स्टाइलिश पर्सन इन लाइफ और यू नो हिज स्टाइल इज़ लाइक क्वाइट डिफरेंट। वो अब अपने टर्म्स अपने हिसाब से यू नो लाइफ को लीड करने में बिलीव करते हैं। तो जो राजा कैरेक्टर प्ले कर रहा है तो इसमें गोविंदा जी डबल रोल प्ले कर रहे हैं जिसमें वो चार कैरेक्टर में स्लिप होते हैं। इसमें गोविंदा जी ने पहले जो भी डबल रोल किया है बट दिस इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ अ डबल रोल, इट इज़ समथिंग डिफरेंट क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस है उनके कैरेक्टर्स में भी, उनके लुक्स में भी। लिटरली लगता है कि ये दो भाई प्ले कर रहे हैं। इट इज़ नॉट द सेम काइंड ऑफ कि डबल रोल है तो दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं। नो, इट्स नॉट दैट। And in our film, like it has got the family thing. Family can watch it sitting together. और इसमें हम तीन लड़कियां हैं, including me. So one is Deeganna, one another is Anupama, and myself is Mishika. So इसमें एक character play कर रही है wife का, एक character play कर रही है girlfriend का. I am with both of them, but actually I am like मैं दोनों में से किसी के साथ भी नहीं हूँ। और इस फिल्म की खासियत ये है कि जो हमारे डायलॉग्स हैं वो बहुत ज़्यादा यू नो इस फिल्म का सबसे बड़ा यूएसपी आई कैन से, क्योंकि जो इस फिल्म में जो डायलॉग्स लिखे गए हैं राइटर्स ने और यू नो इन द सुपरविजन ऑफ पहलाज जी, तो ये ऐसे डायलॉग्स बहुत ज़मानों से नहीं आए हैं। लाइक एग्जांपल आई कैन गिव यू, राजस्थान में ऊँट चलता है झूठ नहीं चलता, तो ऐसे डायलॉग्स ज़माना हो गए हैं ना, ऐसे राइमिंग वाले डायलॉग्स नहीं आए हैं बहुत काफ़ी टाइम से। प्लस गोविंदा जी का परफॉर्मेंस और हमारे डायलॉग्स, हमारा म्यूज़िक, इट इज़ ट्रेमेंडसली लाइक यू नो आउटस्टैंडिंग काइंड ऑफ, बिकॉज ये फिल्म पहलाज जी ने ये सोच के नहीं बनाई है कि गोविंदा कर रहा है या यू नो कोई सलमान कर रहा है, या पहलाज जी ने बनाई है कि ये बड़े स्टार की फिल्म है। गोविंदा जी अभी फिल्मों में नहीं आ रहे थे बट डज़ नॉट मीन कि उनका टैलेंट या उनका जो स्टारडम या उनका जो सुपरस्टार वाला जो की है उनके लिए वो कहीं चला गया। उन्होंने जो भी आज तक किया उससे भी बेहतरीन तरीके से ये अपने दोनों किरदार निभाए हैं। इसमें आपको फुल मसाला, फुल एंटरटेनमेंट, यू नो फैमिली आराम से बैठ के एंजॉय कर सकती है। वैसी फिल्म बनी जो आज के दौर में जो बन रही है, लाइक यू नो इफ़ यू सी द वेब सीरीज़ एंड ऑल, इट्स नॉट कि फैमिली बैठ के नहीं देख सकती है, पेरेंट्स बैठ के नहीं देख सकते बच्चों के साथ, नो इट्स नॉट दैट। इसमें उन्होंने सारा मिर्च मसाला, सारा यू नो ड्रामा एंड प्लस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस फिल्म इज इसमें एक सोशल मैसेज है जो लास्ट में यू नो टू द नेशन ही हैड गिवन। तो इन दैट वे इट्स अ वेरी फैमिली हैपनिंग फिल्म। उनके बारे में एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, वो बहुत ज़्यादा सुपर डाउन टू अर्थ पर्सन है, सुपर हम्बल पर्सन है। वो जितने अच्छे ऑन स्क्रीन लगते हैं वो उससे भी कई गुना अच्छे ऑफ स्क्रीन है, क्योंकि ऑफ स्क्रीन में तो हमारे पास कोई लिमिट नहीं होती, हम कुछ भी बात कर सकते हैं। ऑन स्क्रीन वो लिमिटेशन में यू नो ही हैज़ टू डिलीवर, ही हैज़ टू गिव दैट एक्सप्रेशन। वो ऑफ स्क्रीन ही इज़ अ माइंड ब्लोइंग पर्सन। उनके साथ मेरा जो शॉर्ट था वो 5 पेजेस का था एंड पहलाज जी वॉज नॉट अवेयर अबाउट माई कैपेबिलिटी, माई कैपेसिटी कि मैं क्या कर पाऊँगी क्या नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि उन्होंने मेरा कोई ऑडिशन नहीं लिया, उन्होंने मेरा कोई स्क्रीन टेस्ट नहीं लिया। ही इज़ फेमस फॉर डिटेक्टिंग पीपल यू नो सो दैट वे ही हैड कास्टेड मी। जब उन्होंने फर्स्ट सीन मुझे पढ़ने को दिया था, आई वॉज जस्ट रीडिंग, मैंने 2 बार 3 बार पढ़ा। गॉड्स ग्रेस आई हैव अ गुड मेमोरी एंड उन्होंने बोला कि ठीक है आप गोविंदा जी 2 बार 3 बार जितने बार रिहर्सल लगे कर लो, उसके बाद विल गिव द फाइनल टेक। तो गोविंदा जी मैंने रिहर्सल किया 2 बार और द फाइनल टेक वॉज द ओके टेक एंड दैट हैज़ बिकम द यूएसपी ऑफ माई कैरेक्टर, द माई परफॉर्मेंस। एंड आफ्टर दैट पहलाज जी हैड स्टार्टेड यू नो बिकॉज ही इज़ फेमस फॉर नॉट गिविंग द स्क्रिप्ट टू द एक्टर्स एंड वो सेट पे ही अपनी स्क्रिप्ट, अपने डायलॉग्स ये सब कराते हैं, वो सेट पे ही राइटर्स को यू नो ही कीप्स देम देयर। एंड रही बात, तो फिर उसके बाद परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने मेरे यू नो सीन्स बढ़ाना, सीन्स लिखवाना ज़्यादा, क्योंकि ही हैड फाउंड दैट आई हैव अ गुड मेमोरी, आई कैन परफॉर्म वेल। आफ्टर दैट परफॉर्मिंग द 3 मिनट्स इट वेंट, फर्स्ट शॉट वेंट अप टू 3 मिनट्स सम 20 सेकेंड्स एंड आफ्टर दैट ही वाज लाइक अच्छा कैन वी ट्राई वन मोर, कैन वी जस्ट, दिस इज़ द फाइनल टेक आई एम सेइंग, एंड एवरीबडी हैड क्लैप लाइक आई लिटरली tears were rolling from my eyes and Pahlaj ji came and he hugged me and he said you will be the next superstar and this I had predicted for the Divya Bharti when she was there. But now after that I have never predicted for anyone, and after that I am predicting for you. Oh my God, I started crying more. Like this is that was the moment I cannot forget at all. So yeah, it was a mind-blowing experience with Pahlaj Ji, with Govinda Ji, and like you know, I want to say one more thing. जैसे being a newcomer, पहली बात तो चांस नहीं मिलता है, और मिल भी जाता है तो तीन वेटरन्स के साथ नहीं मिलता, पहलाज जी, गोविंदा एंड शक्ति कपूर. सो फॉर मी इट बिकेम अ लाइक यू नो, मेरी पहली फिल्म मुझे गोल्ड प्लेटर में मिल चुकी है. तो येस, आई एम वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी ऑन दिस. हमारे सेट पे लाइक इतनी ज़्यादा एनर्जी होती थी, एनर्जी ओवरलोडेड. ऐसा होता था कि हम अपने पैकअप के बाद भी साथ में बैठ के डिनर करते थे. वी यूज़ टू मेक श्योर कि हम साथ में बैठ के डिनर करें. यूज़ टू प्ले अंताक्षरी, वी यूज़ टू प्ले लाइक यू नो बैडमिंटन आफ्टर द पैकअप. लाइक पैकअप के बाद किसके पास एनर्जी होती, बट हमारे सेट में लाइक यू नो 24 घंटे वी यूज़ टू हैव द सेम लेवल ऑफ एनर्जी. एंड आई फील दैट इज़ बिकॉज ऑफ द पहलाज जीज एंड सेट एनवायरमेंट. ही कीप्स द वेरी फैमिली एनवायरमेंट कि किसी को भी ऐसा फील ना हो कि यार क्या मतलब कहाँ आ गए, बस काम करना. काम वॉज नॉट द सेक ऑफ इट, लाइक इट वॉज लाइक यू नो मोर ऑफ फन. पहलाज जी बताते हैं कि पुराने उनके सेट्स में भी लाइक यू नो वो फैमिली को लेके जाते थे शूटिंग में. लाइक इफ एक्टर इज़ कमिंग, हिज वाइफ, हिज चिल्ड्रन, एवरीबडी यूज टू बी देयर. लाइक दे यूज टू हैव फन. सो वो अपना एनवायरनमेंट ऐसा रखते हैं कि क्रिएटिव स्पेस को कोई डैमेज ना हो ना, यू नो, बिकॉज ऑफ द मूड स्विंग्स और बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन, बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट. सो वो उनका एक है कि वो इस चीज़ को मेंटेन करते ही करते हैं. एक चीज़ नहीं, मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी. मैं एक चीज़ नहीं बता पाऊँगी क्योंकि ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर. ही इज़ लाइक ऑल इन वन पैकेज. उनसे सीखने को लाइक स्टिल लाइक अभी भी मुझे उनसे बहुत कुछ सीखना है. He has a very good timing. He has a very comic good timing. He delivers. And उनकी खासियत ये है गोविंदा जी की कि अगर वो रीटेक देते हैं, अगर उन्होंने कोई एक सीन का रीटेक 5 रीटेक्स दिए तो पाँचों के पाँचों रीटेक्स में he'll give the different variation. He won't give the same mood, same like what you say expression. वो पाँचों के पाँचों like you know एडिटर कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कौन सा शॉट रखूं. इतना बेस्ट होते हैं वो पाँचों के पाँचों शॉट कि वो लगता है कि यार ये भी बेस्ट है, वो भी बेस्ट है. तो वो एडिटर को कंफ्यूज करने वाले कैरेक्टर हैं लाइक यू नो गोविंदा जी. तो उनसे बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली है. जब तक फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो वी वर सो एक्साइटेड क्योंकि हमारा शूटिंग बहुत स्मूथली वन गो में सारा यू नो कंप्लीट कर दिया था. दैट अकॉर्डिंग टू पहलाज जीज प्लान कि वन गो में ही वांटेड टू फिनिश एंड वी हैड डन इट, यू नो, ट्रेमेंडसली. इट वाज लाइक सो गुड विथ ऑल द यू नो एक्टर्स, विथ ऑल द को एक्टर्स. इट वेंट सो वेल. But when the time has come for the release, we are literally facing such big problems, like you know, because हमारी फिल्म बहुत ज़्यादा फिल्मी है, like family entertaining बनी है. उसके बाद भी इतने 20 cuts, it's not a joke. पहलाज जी was a distributor, पहलाज जी was a producer. पहलाज जी had holded that seat जहाँ पे authority होती है एक फिल्म को sign करने की, you know, censor करने की. So he knows better, like you know, he knows his job better. So being a producer, he won't make such film कि वो खुद ही trouble में आ जाए अपनी, you know, जब censor कराने जाए. तो उनको पता है rules and like regulation कि क्या बनना चाहिए, क्या पब्लिक तक जाना चाहिए. एंड इन प्लेस लाइक इफ़ यू सी के ही इज़ वेरी कल्चर्ड पर्सन, तो ऐसा कुछ खुद नहीं बनाएंगे कि उनके ऊपर ही ना उंगली उठे. तो CBFC में जब वो अपनी चेयर होल्ड कर रहे थे, जब अपनी जिम्मेदारी अपने पूरे दिल से निभा रहे थे, तो बहुत ज़्यादा उनके उस टाइम पर राइवल्स हो गए होंगे. और जब वो CBFC में नहीं रहे तो उनकी ये न्यूज़ आ गई थी कि ही इज़ कमिंग बैक विद द यू नो लाइक हिज फर्स्ट लव, दैट इज़ कॉल्ड लाइक द फिल्म बी प्रोड्यूसिंग अ फिल्म. तो मुझे लगता है कि इस टाइम पे उनके बहुत ज़्यादा राइवल्स हो गए होंगे कि चलो अभी ये आ रहे हैं, अभी हम इनको देखते हैं. क्योंकि ये जो भी पॉइंट्स और सारे जो भी कट्स दिए हैं, दीज आर लाइक नॉट वैलिड कट्स. अगर पहलाज जी गलत होते तो उन्होंने बहुत बड़ी प्रेस होल्ड करी थी. अभी लाइक प्रेस को अपने पूरे 20 cuts, 11 minutes कोई प्रोड्यूसर नहीं दिखाएगा, यू नो, मीडिया को. उन्होंने प्रेस होल्ड करी थी मीडिया को, ऑडियंस को, पब्लिक को दिखाने के लिए कि आप बताइए, अगर आप बोलेंगे तो मैं कट कर दूंगा. सो व्हेन ही हैड होल्डेड दैट कॉन्फ्रेंस, सो मीडिया वाज आल्सो लाइक सो सरप्राइज कि आजकल की कैसी कैसी फिल्में आ रही. स्त्री देख लीजिए आप, मनमर्जियाँ देख लीजिए, अंधाधुन, वीरे दी वेडिंग, क्या क्या डायलॉग्स नहीं है उस फिल्म में. बट उसके बाद भी लाइक यू नो मुझे लगता है कि दीज आर लाइक ऑल पॉलिटिक्स, ऑल प्लानिंग एंड प्लॉटिंग हैपनिंग अगेंस्ट हिम, बिकॉज उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बहुत दिल से निभाई थी. तो उन बहुत सारे लोगों ने अपने मन में ग्रजेस रख रखे होंगे एंड दे आर कमिंग अप विद देम। रंगीला राजा बहुत ही ज़्यादा फैमिली एंटरटेनिंग फिल्म है। इट हैज़ गॉट द लाइक यू नो सोशल मैसेज फॉर द वुमेन इन दिस world, for the like you know you should respect women, you should respect the family, you should respect the you know value of the family। ब्रदर सिस्टर रिलेशन इसमें दिखाया है, ब्रदर ब्रदर रिलेशन दिखाया है, हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन दिखाया है। बहुत खूबसूरती से यू नो पहलाज जी ने इसको पोर्ट्रे किया है। पहलाज जी लाइक अभी कुछ दिनों पहले लाइक मैं किसी से ऐसी बात करी थी, दे वर लाइक इफ़ यू हैव डन अ पहलाज जीज फिल्म सो ही इज़ फेमस फॉर गुड स्क्रीन प्ले, सो इस फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग होगा। तो इज़ लाइक येस आई यू आर राइट, बिकॉज इस फिल्म में जो सबसे मेजर बेस्ट पार्ट है दैट इज़ द स्क्रीन प्ले, बिकॉज यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, व्हाट इज़ यू नो व्हाट नेक्स्ट, कि गोविंदा जैसा कोई एक्टर है आज की डेट में। तो आप लोग ये सब फिल्म ये जब रिलीज़ होगी तो प्लीज़ गो एंड वॉच। हेलो मिमल ने యోయో టీవీ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారా? ఇంకా లేదా? మీ యాప్ స్టోర్కి వెళ్ళి వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి। ఈ వీడియో గనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి।